अब एक बार जरा आप बाजार के बारे में आउटलुक भी दें। आज थोड़ी वॉलेटिलिटी है लाइफ हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी में, बताएं सर क्या व्यू बन रहा है और साथ ही अपडेट्स भी। देखिए अनिल जी, द रियल अपसेटिंग पार्ट इज द आईटी इंडेक्स, और आईटी में जो जो भी फेरबदल है, ओवरवेट थे और सबसे ज्यादा ओनरशिप एफआईज की है, और वो कॉज ऑफ कंसर्न है यूएस में भी और यहाँ भी। अगर ग्रोथ में स्लो डाउन है तो आईटी स्पेंडिंग बजट्स एंड सो ऑन, और आपने देखा है नैसडेक एंड आईटी स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म। वो थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर एक ओवरबेयरिंग आर्च है जो इतनी आसानी से नहीं, तो बैंक निफ्टी तो आज न्यू हाई पे निकल गया लेकिन कॉम्पोजिशन से प्रॉफिट लोग आ गई क्योंकि आईटी नहीं चल रहा। तो ये एक दो दिन की अटकली है, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक वी शुड सी मच मोर कलर और सारा कुछ हो जाएगा। 21 तारीख को जो फेड ने करना है कर लीजिए। एक आदमी के रोजान से आप इतना उतार चढ़ाव करोगे तो फिर आप फिर भगवान से क्या आप मांगेंगे, है अनिल जी? बिल्कुल परफेक्ट है, सही बात है सर। एक तरफा थोड़ी चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो होना चाहिए, ये तो लाइफ लाइन है। अगर एक फ्लैट होगी तो फिर निकल गए, तो थोड़ी ऊपर नीचे होते रहे तब तक ही ठीक है। बताए सर, अब फ्रेश पिक्स नहीं, क्या क्या खरीदना है या कुछ बेचना है? तो अनिल जी दो पिक्स है मेरी और मेरे को लगता है ये यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगी। सबसे पहले आपका है IRCTC। मैंने आपको बताऊं IRCTC हैज क्वाइटली हेल्ड एन EGM और उस EGM में डेटा मोनेटाइजेशन इज थ्रू। मुझे लगता है दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर IRCTC। मैं 850 का टारगेट इसलिए नहीं बोल रहा लेकिन 850 रुपए इस शेयर में आया ही आया। अब आप 724-25 में लीजिए 775 का टारगेट और 712 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। IRCTC कैन बी द स्टार फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 10, 12, 15 डेज, बट इन सितंबर इटसेल्फ यू शुड सी वेरी गुड ट्रैक्शन इन IRCTC। सेकेंड पिक जो मैंने सुबह भी कहा JSW स्टील, इट इज टाइंग अप फॉर डीकार्बोनाइजेशन, ग्रीन स्टील, और आप देखिए कि साजन जिंदल एंड द कंपनीज दे हैव मेड इज इम्प्रेग्नेबल। इट इज गॉट द बेस्ट इंटीग्रेटेड प्लांट, माने सब कुछ इन वन होम। तो 685 रुपए में लीजिए, 660 रुपए का स्टॉप लॉस है, 735 रुपए का टारगेट।